जब रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की कमान संभाली थी, तभी से उनके और पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच मनमुटाव की खबरें जोर पकड़ती रही। ये सिलसिला करीब 2 साल तक जारी रहा। 2021 में क्रिकेट गलियारों में इन दोनों के बीच विवादों की खबरें शोर मचाती रही। हालांकि दोनों प्लेयर्स की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया। कई बार सवाल पूछे जाने पर विराट कहते नजर आए कि मुझ में रोहित में कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली का ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि बीते रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब टीम ने 3 मैचों की सीरीज जीती तो जश्न के दौरान विराट रोहित की जुगलबंदी देखते ही बनती थी। रोहित और विराट के जश्न के बाद ये तो साफ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। दरअसल भारत के लिए जब विराट 63 रनों की जरूरी पारी खेलकर वापस पवेलियन लौटे तो रोहित ने उनका स्वागत किया और पीठ थपथपाई थी। फिर बाद में जब हार्दिक पांड्या के बल्ले से विनिंग चौका निकला तो दोनों एक साथ झूमते नजर आए। इस दौरान दोनों गले भी मिले और चेहरे पर जीत की खुशी के साथ रिश्तों की मिठास भी नजर आई। विराट और रोहित के इस अनोखे जश्न ने फैंस को भी हंसने का मौका दिया। इन दोनों का सेलिब्रेशन वाला वीडियो देख यूजर्स ने मजेदार कमेंट भी किए। आपको बता दें कि इससे पहले विराट कोहली के अर्धशतक पर रोहित शर्मा ने उनकी पीठ थपथपाई थी और बधाई भी दी। इससे पहले जब विराट कोहली इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह फ्लॉप हुए थे तभी भी रोहित शर्मा ने उनका बचाव करते हुए उन्हें महान खिलाड़ी बताया था।